नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। 8415 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है, लेकिन ये परीक्षा अब विवादित हो गया है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती का परीक्षा का आयोजन आज किया गया है, लेकिन इसका प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको हम पहली पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाया, लेकिन उसके बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर लौट रहे थे उन्होंने कहा कि हूबहू यही प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन दूसरी पाली की परीक्षा अब शुरू हो गई है। इसी बीच हमारे पास कुछ प्रश्न पत्र आए हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र का आंसर है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे पास भी ये आंसर आ गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने हमारे पास ये आंसर भेजा है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये आंसर सही होता है या नहीं, इसी से रिलेटेड प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं या नहीं। अब तो परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी ही बता पाएंगे, परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थी ही बताएंगे कि क्या हूबहू यही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। 14 मार्च की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका भी प्रथम और दूसरी पाली दोनों परीक्षाओं का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। अब 21 मार्च को परीक्षा आयोजित की गई है, लेकिन इसका भी प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि CSBC क्या इस पर जवाब देता है, क्या वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर CSBC जवाब देता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 21 मार्च को आयोजित सिपाही भर्ती की परीक्षा का दोनों पालियों का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अब छात्र नेता दिलीप ने भी वायरल प्रश्न पत्र को सही बताया है। परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो अभ्यर्थियों ने कहा कि हूबहू परीक्षा में यही प्रश्न पत्र पूछे गए थे। उन्होंने कुछ प्रश्न पत्र का आंसर भी दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए यही प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए थे। अब देखने वाली बात है कि क्या CSBC इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। लेकिन 14 मार्च को जो परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ था उसमें भी CSBC के तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अब 21 मार्च को भी प्रश्न पत्र वायरल हो गए हैं, क्या CSBC कोई जवाब इस पर भी देता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। आपको बता दें कि 6 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा 14 मार्च को लिया गया है, वहीं बाकी बचे परीक्षार्थियों का परीक्षा 21 मार्च को आयोजित किया गया है। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए केंद्रीय परिषद की तरफ से ये दो तिथियों में ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।